जानकारी प्लम्बर। आज हम वेस्टर्न टॉयलेट जो है कैसे लगाते हैं, कितने इंच पे रहता है, आज हम आपको बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। ये देखिए, ये पॉइंट जो है 10 इंच पे दिया जाता है पीछे दीवार से। और इसका जो है, ये जो वेस्टर्न टॉयलेट है, इसमें जो है 40 mm फ्लोरिंग से 40 mm पाइप काट लें, इसमें परफेक्ट बैठ जाता है। और जो ये रहता है, इसमें जो है जो खड्डा रह जाता है, इसमें जो है सीमेंट जरूर मार लें। ये साइड से जो है सीमेंट जरूर लगा लें, नहीं तो ये पानी अगर लीकेज रहेगा तो नीचे फ्लोरिंग में जाएगा, टाइल्स बैठ जाएगी पूरी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम यूट्यूब पर ऐसी वीडियो अपलोड करते रहते हैं। ये देखिए, इस तरह जो है सीमेंट जरूर लगा लें। नीचे जो है सीमेंट नहीं लगाया जाता है, ऐसे डायरेक्ट रखने 40 mm रहता है, लीकेज कभी नहीं होता है, लीकेज का चांस ही नहीं होता। तो ये देखिए, और इसका सेंटर मिला ले, देखिए 25 mm इधर भी आ रहा है, 225 mm इधर भी आ रहा है। और सेंटर ऐसे मिलाने के बाद जो है मार्किंग इस तरह मार लें, मार्किंग इस तरह लगा लें इस केस से। होता है तो मार्किंग जो है ऐसे इस तरह पहले जो है इसका जो है लगा लें स्क्रू से, फिर उसके बाद जो है ड्रिल मशीन से होल होगा। जरूरत नहीं है तो इस तरह ही बैठा दें। अभी पानी चालू करके भी दिखाएंगे लीकेज का। ये देखिए, इसमें जो है कम से कम 3 इंच का स्क्रू लगेगा, तो वो स्क्रू जो है देखिए इसमें टाइट हो गया है, जो भी मशीन मारे थे और इस साइड भी। ये देखिए, ये देखिए पूरा जो है पूरा एकदम टाइट हो गया। इस तरह जो है टाइट कर लें। हाइड्रोलिक वाला है, यहाँ तो देखिए बंद हो जाएगा। इसके देखिए इस तरह जो है फिटिंग की जाती है। ये इस तरह ऐसे लगा लें। लगाने के बाद ऐसे लगा लें, इसको ऐसे लगा लें।
इसको ऐसे लगा ले, इसका नट ढील दे, जो है नीचे से ऐसे टाइट कर लें। ये वाला इधर से टाइट हो जाएगा। इसमें देखिए इस तरह जो है वाइट सीमेंट मार लें, साइड से किनारे पे जो है वाइट सीमेंट लगा लें। और अब इसका जो है फ्लस्टरिंग का जो है इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ये बैंड है और ग्लो का है। अब इसका चकनर जो है इस तरह लगाने, इसमें ये पानी लॉक करता है। चकनट इस तरह जो है लगा ले, टाइट कर ले, ज्यादा टाइट करने की जरूरत नहीं। अब इसमें वाशर रहता है, ये वाला वाशर इसमें लगेगा। वाशर इस तरह बैठा ले, इसमें आके बैठ जाएगा और ये वाले इसमें रहेगा। कम से कम जो है ये फ्री रहना चाहिए, ये घूमना चाहिए। अगर ये पाइप बड़ा हो रहा है तो इसको काट ले। अब इसको काटा जाएगा, इसका नाप ले लेगा। देखिए इस पे रख ले, नाप लेने का सबसे बेस्ट तरीका जो है